मध्य प्रदेश के कटनी में 22 सितंबर की रात मिशन चौक के बस स्टॉप पर बोरे में बंद एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद अब पुलिस ने मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है। संपत्ति विवाद और ब्लैकमेल से तंग आकर महिला के ससुर ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से महिला की हत्या कर दी और लाश को छुपाने के लिए बोरे में बांधकर बस स्टॉप पर छोड़ आई। वहीं कुछ समय पहले मृतक महिला ने अपने पति के ऊपर रेप का आरोप लगाया था, जिसके चलते पति को 10 साल की सजा हुई थी। हालांकि पुलिस के द्वारा महिला की हत्या करने वाले शख्स पर 10,000 का इनाम रखा गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो इनके संबंध थे, महिला को रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हत्या की गई है। इसमें मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकारी, कुल मिलाकर 3 लोग हमारी गिरफ्त में है। जघन्य मामला था, अज्ञात मामला था। इस पर मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। महिला का मेडिकल पे 6 से 7 महीने की प्रेगनेंसी पाई गई है। इस संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। पाली क्षेत्र अंतर्गत वहाँ पर इनके द्वारा गला दबा के हत्या की गई है और उसको छुपाने के लिए उसको पहले एक आपके सीमेंट के बोरे में बांधा गया, फिर कार्टून में रखा गया, फिर बड़े बोरे में बांधा गया। तो एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल इनके द्वारा वहीं से ली गई अपने परिचितों से। कटनी से योगेश खरे की।